बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को मध्य प्रदेश सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है। देश भर में हो रहे आयोजनों में जुट रही भीड़ को देखते हुए उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। अब से उनकी सुरक्षा में 11 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। इसराइल में नेतन्याहू सरकार के नए बजट के विरोध में हजारों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हालांकि लोगों के विरोध के बीच बजट संसद में पास हो गया, लेकिन संसद के बाहर प्रदर्शनकारी इसका विरोध करते रहे और इसराइल में नेतन्याहू के नए बजट पर बखेड़ा खड़ा हो गया। जैसे ही लोगों को इस नए बजट के बारे में जानकारी मिली, वो सड़कों पर उतर आए। यरूशलम में तो प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर कब्जा जमा लिया। नया बजट पास न हो, इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। वहां के संसद भवन का भी प्रदर्शनकारियों ने घेराव किया। झंडे और बैनर लेकर सड़कों पर उतरे लोग काफी देर तक नए बजट के विरोध में प्रदर्शन करते रहे, लेकिन संसद में यह बजट पास हो गया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा के बीच अहमदाबाद से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ की मंडोली जेल में शिफ्ट किया गया है। जानकारी मिल पा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात एटीएस ने केस में पूछताछ के लिए 14 दिनों के रिमांड पर लिया था, क्योंकि नेतन्याहू यह बजट अपनी गठबंधन सरकार की राह आसान करने के लिए लाए। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने आरोप लगाया कि नए बजट से नेतन्याहू गठबंधन के साथियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और इसीलिए वो नया बजट लेकर आए हैं। असल में इसराइल में पिछले कुछ सालों से सरकार काफी अस्थिर रही है। वहाँ पिछले 4 साल में कई बार चुनाव हुए। बेनियामिन नेतन्याहू के हाथ से बीच में सत्ता भी छिन गई थी। हालांकि 2022 में हुए चुनाव में नेतन्याहू ने गठबंधन कर सरकार बनाई और तब से लेकर अब तक गठबंधन के भरोसे ही सरकार चल रही है। यही वजह है कि वहां की विपक्षी पार्टियों के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि नेतन्याहू गठबंधन के साथियों को खुश करने के लिए नया बजट लेकर आए हैं, जिसका सीधा फायदा कट्टर यहूदी समुदाय को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के देवबंद में एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान कई लोगों से पूछताछ की गई है। एनआईए ने एक मस्जिद के इमाम को भी हिरासत में लिया है और करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। द केरला स्टोरी फिल्म की अभिनेत्री अदा शर्मा एक मुश्किल में फंस गई। सोशल मीडिया पर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल लीक हो गई। यही नहीं, अदा शर्मा को धमकी भी दी गई कि उनका नया मोबाइल नंबर भी सोशल मीडिया पर लीक कर दिया जाएगा। हालांकि इंस्टाग्राम पर जिस अकाउंट से अभिनेत्री अदा शर्मा की कॉन्टैक्ट डिटेल लीक हुई, वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। अदा शर्मा द केरला स्टोरी फिल्म की रिलीज होने के बाद से ही सुर्खियों में है, क्योंकि द केरला स्टोरी फिल्म के कलाकार कई बार धमकी मिलने की शिकायतें कर चुके हैं। वहीं इस फिल्म की रिलीज को लेकर ही विवाद हो गया था, जब पश्चिम बंगाल में फिल्म की स्क्रीनिंग पर बैन लगा दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर लगे बैन को हटा दिया था। अमेरिका के द्वीप गुआम में आए खतरनाक तूफान मवार से तबाही मच गई है। वहां पर तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई है, जिसके चपेट में आने से कई घरों की छतें उड़ गई और कई पेड़ उखड़ गए हैं, टूट गए हैं। बताया जा रहा है कि तूफान की वजह से बिजली सप्लाई पर भी इसका असर देखने को मिला है। हालांकि खतरे को देखते हुए पहले ही अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया था।